बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है न्यूक्लियर फिजिक्स का, और आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा देखा कि हमारे पास थ्री टाइप्स होती हैं रेडियो एक्टिविटी की, अल्फा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके। हम अपने लेक्चर को अल्फा डीके से आज स्टार्ट करेंगे। अल्फा डीके में हमारे पास एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लाई होता है, जो कि इधर हमने एक्स से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, उसका एटॉमिक मास नंबर ए और नंबर ऑफ प्रोटॉन जी। ये हमारे पास डिके जब होगा तो ये कन्वर्ट होगा हमारे पास एक न्यू एलिमेंट में, यानी ये एक पेरेंट न्यूक्लाई है, आयोनाइजेशन होगी और ये कन्वर्ट होगा एक न्यू एलिमेंट में, डॉटर न्यूक्लाई में, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आयोनाइजेशन में उसकी डिकेइंग में क्या हो रहा है कि उसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो हमारे पास -4 हो रहा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स -2 हो रहा है। तो अब ये जो डिके होकर जा रहा है, मतलब उसके एटॉमिक मास नंबर में से 4 निकल रहा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से 2 निकल रहा है, तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है एक अल्फा पार्टिकल में। एक अल्फा पार्टिकल इस रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में आयोनाइजेशन जब हो रही है, वो एमिट हो रहा है, तो वो एक अल्फा पार्टिकल है, जो कि हीलियम जिसको हम कहेंगे, वो हीलियम का एलिमेंट है, क्योंकि जो -4 हुआ वो हमारे पास हीलियम का 4 एटॉमिक मास नंबर आ गया, और जो हमारे पास प्रोटॉन्स -2 हुए वो हमारे हीलियम के 2 प्रोटॉन्स आ गए। अब इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास यूरेनियम है जिसका एटॉमिक मास नंबर 238 है और उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर 92 है। वो हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है थोरियम में, जिसका हमारे पास एटॉमिक मास नंबर 234 होता है और उसका हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 90 होते हैं। तो अब देखें, 238 में से -4 हुए, 234 आ गया, हमारे पास एटॉमिक मास नंबर चेंज हुआ। इसी तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन यूरेनियम के 92 थे, उधर से -2 हुआ, तो हमारे पास थोरियम के 90 आ गए। अब 4 हमारे पास एटॉमिक मास नंबर्स और 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन का, वो किस में कन्वर्ट हुआ है डिके होके, अल्फा पार्टिकल जो एमिट हो रहे हैं वो हमारे पास हीलियम का पार्टिकल बन गया। तो इस तरह से आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी पूरी कि यूरेनियम 238 92 कन्वर्ट हो रहा है थोरियम 234 90 में डिके होता हुआ, और उसमें आपके पास हीलियम का पार्टिकल, हीलियम का एलिमेंट वो एमिट हुआ है, और ये आपके पास आपकी अल्फा डिके की सेटिस्फाई इक्वेशन बन जाएगी, जो कि सारे लॉज ऑफ फिजिक्स को सेटिस्फाई कर रही है। अब हमारे पास बीटा डिके है। बीटा डिके को भी उसी तरह हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से पेरेंट न्यूक्लाई और वो कन्वर्ट हो रहा है डॉटर न्यूक्लाई में, जिसे वाई से रिप्रेजेंट किया। इसमें आपके पास एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन +1 हो जाएंगे। ये आपके पास बीटा माइनस डिके होता है, जिसमें आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे होते हैं, लेकिन आपका एटॉमिक मास नंबर सेम रहता है। और इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन साथ एमिट होगा और एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा। एंटी न्यूट्रिनो का ये सिंबल है, ये आप देख रहे हैं। ये एंटी न्यूट्रिनो बीटा डिके में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन तक बात रखते तो वो हमारे पास इक्वेशन को या हमारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं करते। इसमें न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो इसीलिए है, इसके आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनका क्या रोल है और ये बीटा डिके में क्यों इंक्लूड किए गए हैं। जबकि हमारे पास जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं सारे, वो इक्वेशन अगर इलेक्ट्रॉन तक रखी जाए तो सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो ऐड किए गए। ये कहाँ से आए, कैसे आए, वो अलग से एक टॉपिक है, वो हम इन डिटेल पढ़ेंगे। अब आप इसमें ये देखें कि आपके पास अब ये बीटा माइनस डिके है, तो इसमें आपके पास जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। क्या आपका एटॉमिक मास नंबर ए तो सेम है, लेकिन आपका प्रोटॉन नंबर +1 हुआ। एटॉमिक मास नंबर आपके पास सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इसका मतलब आपका एक न्यूट्रॉन कम हुआ है और वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, जो कि प्रोटॉन इंक्रीज कर गया, +1 हो गया नंबर, और एटॉमिक मास नंबर सेम रहा। इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ और साथ एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट हुआ है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट ही नहीं होता, फिर वो कन्वर्ट किस तरह से हुआ है, एमिट किस तरह से हो रहा है इसमें। तो इसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस जब आपका न्यूक्लियस डिके की तरफ जा रहा होता है, तो आपके इसमें इलेक्ट्रॉन
या पॉजिट्रॉन जो ई प्लस होता है वो हम बीटा पॉजिटिव डिके में देखेंगे अभी इसी लेक्चर में, वो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली कुदरती तौर पे जो इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये प्रोसेस डिके का उसको क्रिएट करता है और फिर एमिट करता है, और साथ आपके न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो एमिट हो जाता है। तो ये आपका बीटा का प्रोसेस होता है, इसमें आपकी बीटा रे एमिट हो रही है जो कि इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो से या न्यूट्रिनो से बन रही होती है। अब इसमें हम बीटा डिके की एग्जाम्पल देखेंगे। हमारे पास कार्बन है जिसका एटॉमिक मास नंबर 14 है और उसका प्रोटॉन्स जो उसके अंदर हैं वो 6 हैं, और ये आपके पास कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन में, ये कन्वर्ट हो रहा है जिसका हमारे पास एटॉमिक मास नंबर 14 है और जो प्रोटॉन्स हैं वो 7 हैं। तो अब आप देखो कि हमारे पास एटॉमिक मास नंबर सेम रहा लेकिन एक प्रोटॉन ऐड हुआ है, प्लस 1 हुआ है, तो इसका मतलब एक न्यूट्रॉन था जो कि प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, और साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो एमिट हुए हैं। इसके बाद हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि है बोरोन की। बोरोन का एटॉमिक मास नंबर 12 है और उसमें प्रोटॉन 6 होते हैं, प्रोटॉन प्लस 1 हुआ 7 हो गए और एटॉमिक मास नंबर सेम रहा, यानी एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो एमिट हो गए। ये आपका बीटा माइनस डिके होता है। इसमें आप देखो फर्स्ट इक्वेशन में कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 14 है और सेकंड इक्वेशन में जो डॉटर न्यूक्लाई है उसमें 12 है, तो ये किस तरह से डिफरेंट है कार्बन हमारे पास, इसके लिए आप सेकंड लेक्चर रेडियो एक्टिविटी का देखो, उसमें इन डिटेल ये वाला टॉपिक पढ़ाया गया कि किस तरह एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो सकते हैं एक ही एलिमेंट। बीटा पॉजिटिव डिके अब हम देखेंगे। इसमें हमारे पास क्या है कि जो हमारा पेरेंट न्यूक्लाई है जब वो डॉटर न्यूक्लाई में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास प्रोटॉन माइनस 1 हो जाता है, और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जगह एक पॉजिट्रॉन एमिट होता है यानी ई प्लस, और न्यूट्रिनो एमिट होगा। अब देखो इसमें हमारे पास एटॉमिक मास नंबर तो सेम रह रहा है लेकिन प्रोटॉन माइनस 1 हो रहा है, तो इसका मतलब बीटा पॉजिटिव में प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में, यानी बीटा माइनस के ऑपोजिट है ये। ये इसके आपके पास इक्वेशन बनेगी कि पेरेंट न्यूक्लाई डॉटर न्यूक्लाई में क्या एक प्रोटॉन कम हो गया और हमारे पास न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन आ जाएगा। अब इसमें हम एग्जांपल देखते हैं सोडियम की जिसका एटॉमिक मास नंबर 22 है और उसके प्रोटॉन 11 है, और जब वो डिके हुआ तो डॉटर न्यूक्लाई बना एक न्यू एलिमेंट नियोन। एटॉमिक मास नंबर 22 और उसमें जो प्रोटॉन है वो हमारे पास 10 है, और साथ हमारे पास उसमें पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो एमिट हो रहे हैं। हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, एक प्रोटॉन कम हो गया और एटॉमिक मास नंबर सेम रहा, यह आपका बीटा पॉजिटिव डिके होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास गैमा डिके है। गैमा डिके में हमारा पेरेंट न्यूक्लाई एज इट इज सेम रहता है डॉटर न्यूक्लाई में, लेकिन उसमें हमारे पास रेडिएशन एमिट होती है जिसे हम गैमा का नाम देते हैं कि गैमा पार्टिकल एमिट हो रहा है। ये हमारे पास सेम किस तरह है और फिर ये डिके क्या हो रहा है इसके अंदर, ये देखने वाला पॉइंट है कि जो न्यूक्लियस हमारे पास होता है वो एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ ड्रॉप करता है, यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ गया, और उस दौरान उसमें क्या होता है कि हमारे पास हाई एनर्जी फोटॉन्स एमिट हो रहे होते हैं जिससे हम इधर गैमा का नाम दे रहे हैं कि हमारे पास गैमा पार्टिकल एमिट हुए हैं। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारे पास टेक्नेटियम की। टेक्नेटियम हमारे पास क्या है, उसका एटॉमिक मास नंबर 99 और उसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो हमारे पास 43 हैं। जब गैमा डिके हुआ वो एज इट इज सेम रहा, यानी पेरेंट न्यूक्लाई और डॉटर न्यूक्लाई सेम रहा, और उसमें हमारे पास जो गैमा रेज थी वो एमिट हुई हैं। गैमा डिके बेसिकली हमारे पास इसका सबसे स्मॉलेस्ट मास और चार्ज होता है, और ये हमारे पास अनडिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, और इसमें हमारे यहाँ जब ये डिके प्रोसेस होता है तो हमारे पेरेंट और डॉटर न्यूक्लाई के मास में या एटॉमिक नंबर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, ना उसका मास नंबर चेंज होता है ना उसका एटॉमिक नंबर चेंज होता है। और ये हमारे पास गैमा डिके जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, जो कि लाइट होती है या एक्सरे होती है, वो हमारे पास गैमा रेज ही होती हैं। इसी तरह अगर हम अल्फा डिके जो है हमारे पास अल्फा पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टीज देखें तो उसमें हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एमिट हो रहा होता है जिसे हमने हीलियम कहा। इसका मास और चार्ज हमारे पास
बिगेस्ट होता है एज कम्पेयर टू बीटा एंड गैमा डिके, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से रिफ्लेक्ट होती है, और इसमें हमारे पास टू प्रोटोन टू न्यूट्रॉन वाला एक चार्ज एमिट हो रहा है जिसे हम हीलियम कह रहे हैं, और इसका मास नंबर डिक्रीज हो रहा है 4 से और एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रहा है 2 से। इसी तरह हम बीटा डिके की प्रॉपर्टीज देखते हैं। बीटा डिके जब बीटा माइनस है तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो एमिट हो रहा है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, और साथ एंटी न्यूट्रिनो एमिट हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी तरह बीटा पॉजिटिव की बात करें तो इसमें हमारे पास पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो एमिट हो रहा है। ये इन दोनों का थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। ये दोनों डिफ्लेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 इन बीटा माइनस एंड इन बीटा पॉजिटिव आपके पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिक्रीज हो रहा होता है बाय 1। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। हमने अल्फा बीटा और गैमा डिके को इन डिटेल पढ़ा और उनकी प्रॉपर्टीज को देखा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।